टीएसपीसी नक्सली व पुलिस के साथ हुई मुठभेड़, जंगल का लाभ उठाकर फरार हुए नक्सली। एसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची के निर्देशन में नक्सली संगठनों के खिलाफ चतरा जिले सहित आसपास के बॉर्डर इलाकों में चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में पुलिस को नक्सली संगठन के विरुद्ध निरंतर सफलताएं भी मिल रही हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को सूचना मिली कि प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सली संगठन के रीजनल कमांडर आक्रमण एवं जोनल कमांडर शशिकांत उर्फ आरिफ के द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने हेतु ग्राम बतरा, अनगड़ा, नागद, थाना कुंदा, जिला चतरा एवं पलामू जिले के सीमावर्ती जंगली क्षेत्रों में एकत्रित हुए हैं। इस सूचना का सत्यापन हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसमें चतरा पुलिस कोबरा 203 एवं झारखंड जगुआर एजी 25 को शामिल किया गया था। उक्त अभियान दल अभियान के क्रम में जैसे ही ग्राम अनगड़ा के आगे के जंगली क्षेत्रों में पहुंचे तो अचानक पुलिस को अपनी ओर आता देख नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को लक्षित कर फायरिंग की जाने लगी। पुलिस बल द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए नियंत्रित फायरिंग की गई। पुलिस बल को भारी पड़ता देख टीएसपीसी उग्रवादी जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। उग्रवादियों द्वारा फायरिंग की जाने वाली दिशा में चेकिंग एवं तलाशी की गई, जिसमें कई सामान बरामद हुए। वर्तमान में उन क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर्च अभियान के दौरान वॉकी टॉकी एक एवं वायर, आर्मी पेटर्नल क्लोच, मोबाइल दो, चार्जर सहित 21, सोलर प्लेट, खाना पकाने के बर्तन स्टील प्लेट 8, चावल 20 किलो, ताजी सब्जियां, कंबल, सिविल कपड़े 10, बैग 2 और दैनिक प्रयोग के सामान आदि बरामद किए गए हैं। उक्त आशय की जानकारी एसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। टीपीसी के रीजनल कमांडर आक्रमण गंजू एवं सब जोनल कमांडर शशिकांत उर्फ आरिफ के दस्ता के साथ पूर्व में दिनांक 3 फरवरी 2021 एवं 29 अगस्त 2021 को मुठभेड़ हुई है, जिसके क्रम में कई हथियार गोलियां बरामद किए गए हैं तथा विगत कुछ माह में टीएसपीसी नक्सली संगठन के कई नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चतरा पुलिस की नक्सलियों से अपील। चतरा पुलिस ने नक्सलियों से अपील की है कि नक्सलियों का समय खत्म हो चुका है, ये किसी न किसी दिन पुलिस की गोलियों का शिकार होंगे। इससे पूर्व यह आवश्यक है कि वे झारखंड पुलिस के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा का लाभ लेकर मुख्य धारा से जुड़े, अन्यथा कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही जिस तरह से इनामी नक्सली गौतम पासवान, सहदेव यादव एवं अन्य नक्सलियों के घरों की कुर्की की गई है, उसी तरह शेष वांछित फरार नक्सलियों के विरुद्ध भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में अशोक रविदास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया, अंजनी कुमार उप समादेष्टा 209 कोबरा, धनंजय राम प्रसिद्ध पुलिस उपाधीक्षक चतरा, धनंजय सिंह सहायक समादेष्टा झारखंड जगुआर, सनोज कुमार चौधरी थाना प्रभारी हंटरगंज, विनोद कुमार थाना प्रभारी प्रतापपुर शामिल हैं। आप सब जानते हैं पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में झारखंड पुलिस द्वारा सभी नक्सली संगठनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि टीएसपीसी संगठन के रीजनल कमांडर आक्रमण एवं शशिकांत उर्फ आरिफ, इन दोनों का एक दस्ता कुंदा थाना क्षेत्र में ग्रामशील है। उक्त सूचना के आलोक में कोबरा 209 बटालियन की एक टीम, झारखंड जगुआर की एजी 25 की टीम एवं चतरा पुलिस की टीम, इसके द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। आज सुबह जब अनगड़ा गांव के आगे जंगल में लोग पहुंचे तो टीएसपीसी के इस ग्रुप के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। काफ़ी देर तक मुठभेड़ चलने के बाद वो लोग जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। जब हम लोगों ने वहाँ पर सर्च अभियान चलाया तो हमें उनके द्वारा उपयोग की जा रही दैनिक उपयोग की कई सारी सामग्रियाँ, कुछ सोलर प्लेट्स, कुछ मोबाइल फोन्स, वॉकी टॉकी इत्यादि बरामद हुए हैं। अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। पर मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करूंगा कि नक्सलियों का समय लग चुका है, आप समय रहते झारखंड पुलिस एवं झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण पॉलिसी का फायदा उठाते हुए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा किसी न किसी दिन आपको मुठभेड़ में गोली का सामना करना पड़ेगा। कितने राउंड गोली चले थे सर? अभी हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं, ये अभियान चल रहा है तो अभी बिल्कुल फाइनल फिगर्स हमारे पास नहीं।